फ्रेंड्स वेलकम टू माई ट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली मेट्रो के फेज़ फोर में टोटल 6 कॉरिडोर्स का कंस्ट्रक्शन होना है और इन 6 कॉरिडोर्स का जो कंप्लीशन होना था वह होना था 2021 तक। दिल्ली मेट्रो के प्लान के अकॉर्डिंग 2021 तक ये 6 के 6 कॉरिडोर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए थे और मेट्रो स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। और ये 6 कॉरिडोर्स कंप्लीट होने के बाद दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की टोटल लंबाई हो जानी चाहिए थी 413 किलोमीटर। ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए थी, हुई नहीं है। जैसा कि आप दिल्ली मेट्रो के इस प्लान में देख भी सकते हैं कि दिल्ली मेट्रो के फेज़ फोर के सभी कॉरिडोर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए थे 2021 तक। मौजूदा समय में दिल्ली मेट्रो की टोटल लंबाई है 350 किलोमीटर और इस 350 किलोमीटर में एनसीआर के शहरों का भी पार्ट है। यानी कि टोटल लंबाई सिर्फ दिल्ली में नहीं है 350 किलोमीटर, एनसीआर के शहर जैसे कि गुड़गांव, बहादुरगढ़ और नोएडा, इनके अंदर भी जहाँ जहाँ दिल्ली मेट्रो जाती है उनको लेके टोटल लंबाई 350 किलोमीटर है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का फेज़ फोर शुरू से ही प्रोकास्टिनेशन का शिकार रहा है, यानी कि टालमटोल का शिकार रहा है। फेज़ फोर के अप्रूवल से लेके आज तक जो भी इसमें जो काम चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं देरी होती चली जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नेटवर्क कम्प्लीट हो जाना चाहिए था 2021 तक, लेकिन आज भी इस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो भी सिर्फ 3 लाइनों पर, 3 कॉरिडोर्स पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। 3 कॉरिडोर्स जो है अभी अप्रूव ही नहीं हुए हैं। फ्रेंड्स, करीब 2 वर्षों की देरी से दिसंबर 2018 में दिल्ली मेट्रो का फेज़ फोर जो था अप्रूव किया गया था, जिसमें कि टोटल 6 कॉरिडोर्स अप्रूव किए गए थे और इनकी कॉस्टिंग रखी गई थी 46,000 करोड़ रुपये, 46,000 करोड़ रुपये इनकी कॉस्टिंग रखी थी टोटल, जो भी इसमें मतलब कॉरिडोर्स हैं टोटल 6 के 6 कॉरिडोर्स मिला के। मेट्रो के निर्माण की योजना को मंजूरी मिलने के बाद फाइल मूव कर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब 2019 का लोकसभा चुनाव होना था उसके जस्ट पहले ही, मतलब आचार संहिता लागू होने से जस्ट पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने फेज़ फोर के प्लान को मंजूरी दी, और उसमें से भी सिर्फ 3 कॉरिडोर्स को मंजूरी दी, बाकी के 3 कॉरिडोर्स को मंजूरी ही नहीं दी। फाइनली जिन 3 कॉरिडोर्स की मंजूरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी, आखिरकार उस पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ दिसंबर 2019 में। लेकिन ढाई महीने के बाद ही इस निर्माण कार्य में, इस कंस्ट्रक्शन वर्क में बाधाएं आनी शुरू हो गई, ऑब्स्टेकल्स आने शुरू हो गए। सबसे पहली बाधा कोविड पेंडेमिक का दौर स्टार्ट हो गया था, जिसके कारण जो वर्क था वो काफ़ी स्लो डाउन हो गया। और इसके अलावा भी कई और बाधाएं आई, जैसे कि पेड़ काटने की अनुमति, भाई DMRC को ट्रीज कटिंग का अप्रूवल ही नहीं पा रहा था, जिसके कारण भी यह कंस्ट्रक्शन वर्क डिले होता चला गया। इसके अलावा जो लैंड एक्वायरमेंट थी, लैंड जो एक्वायर करना था उसमें भी दिक्कतें आई, उसमें भी काफ़ी मतलब डिफ़िकल्टीज DMRC को झेलनी पड़ी, जिसके कारण से यह कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है डिले होता चला गया। फ्रेंड, जहाँ यह कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए था 2021 तक, लेकिन आज की डेट में भी यह कंस्ट्रक्शन जो है सिर्फ 40 से 45% ही कम्प्लीट हुआ है, 40 से 45% ही कम्प्लीट हुआ है। और DMRC का कहना है कि 2026 तक जाके ये कंस्ट्रक्शन का काम कम्प्लीट होगा, वो भी सिर्फ 3 कॉरिडोर्स का। ऐसा नहीं है कि टोटल 6 कॉरिडोर्स कम्प्लीट हो जाएंगे 2026 तक, जहां DMRC ने बोला था कि 2021 तक 6 के 6 कॉरिडोर्स कम्प्लीट कर देंगे, वहां 2026 तक सिर्फ 3 कॉरिडोर्स कम्प्लीट हो पाएंगे। बाकी के बचे 3 कॉरिडोर्स इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ, रिठाला से नरेला और लाजपत नगर से साकेत, ये 3 कॉरिडोर्स अभी भी अपने अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। जैसा कि फेज़ फोर के 3 कॉरिडोर्स जिन पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था कि 2019 के आम चुनाव से पहले ही आचार संहिता लगने से तुरंत पहले उनका अप्रूवल दिया गया था, तो 2024 के आम चुनाव होने हैं और उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है कि शायद आचार संहिता लगने से पहले इन कॉरिडोर्स को मंजूरी दे दी जाए। और यदि बाकी बचे इन 3 कॉरिडोर्स को मंजूरी मिल भी जाती है, तब भी इनका कंस्ट्रक्शन जो है नेक्स्ट ईयर से पहले स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेंडरिंग के प्रोसेस में और कंस्ट्रक्शन के लिए जो प्रिपरेशन वगैरह करनी होती है उस प्रोसेस में टाइम लगता है, तो 2025 से पहले कंस्ट्रक्शन वर्क वैसे भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। और यदि 2025 में स्टार्ट भी होता है तब भी उसको कम्प्लीट होने में 4 से 5 साल लगेंगे, क्योंकि कई सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, जैसे कि DMRC को लैंड एक्वायरमेंट से रिलेटेड वर्क करना होगा, पेड़ों को काटने से रिलेटेड अप्रूवल लेना होगा, और भी कई तरह के अप्रूवल होते हैं, और टेंडरिंग वगैरह काम तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसमें टाइम लगता है। तो मान के चलिए कि यदि 2025 में भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो 2030 तक जाके ये कंप्लीट हो पाएगा, 2030 में मेट्रो चल पाएगी। लेकिन अभी तो यही नहीं पता कि इसका अप्रूवल भी मिलेगा या नहीं आम चुनाव से पहले, लेकिन जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रेंड रहा है
पिछले आम चुनाव में आचार संहिता लगने से जस्ट पहले ही इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था, सिर्फ तीन मतलब कॉरिडोर्स को। तो बाकी के तीन कॉरिडोर्स उम्मीद है कि 2024 की आम चुनाव से पहले जो आचार संहिता लगती है उससे पहले इसको मंजूर कर दिया जाए। बाकी दिल्ली के जो भी सांसद हैं, जो भी MP हैं, वह अपने अपने रेलिवेंट कॉरिडोर्स को अप्रूव कराने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वही लोग जाके वादे करते हैं ना कि मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो भी है। तो ये लोग अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अप्रूव कराने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बाकी के तीन कॉरिडोर्स जो हैं अप्रूव हो जाएं। खैर, अप्रूव होते हैं नहीं होते हैं ये तो आने वाला एक महीना बता देगा। एक महीने के अंदर अंदर आचार संहिता लगने से पहले यदि ये जो कॉरिडोर्स हैं वह अप्रूव हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज टाइम कितना भी लंबा लग जाए कुछ कह नहीं सकते। कितना लंबा खींचे इनका अप्रूवल उसके बारे में अभी कहना मुश्किल होगा। फिलहाल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।